हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें अपन ने देख लिया था कि किस तरह से अपन जो है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट को देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आपने जो है दोनों तरह की उनमें देख लिया था कि चैन रिवेटिंग है तो आपका किस तरह से होगा, जिगजैग रिवेटिंग है तो, मतलब ले देकर आपको जो है क्रिटिकल एरिया निकालना था, जहां पर एरिया सबसे कम रह जाता है वही आपका क्या कहलाता है, जो है आपका क्रिटिकल एरिया कहलाता है, उसका स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है भाई, जो है आपका निकल के आ जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे आप कैलकुलेट करने वाले। तो जैसे कई बार क्या है, जनरली ऐसे पूछ लेता है, जो न्यूमेरिकल्स बोल देता है वो ऐसे बोलता है, वो कहता है कोई एक साइज ऑफ प्लेट है, जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएगी वो कैसे आती है, वो आपसे कहेगा क्वेश्चन में कहेगा कि एक जो प्लेट साइज है, मान लो उसने कह दिया प्लेट साइज 300 × 10 mm की एक प्लेट लगी हुई है। अब ये कहता है कि इसमें एक रिविट लगी हुई है, रिविट प्रोवाइड की गई है जिसका नॉमिनल डाया जो है, नॉमिनल डाया उसने कह दिया भाई मान लो आपका 20 mm है। अब ये कहता है कि नेट एरिया बताओ, नेट एरिया कितना होगा। तो देखो, नेट एरिया कैसे निकालेंगे, ए नेट मैंने देख लिया, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, बी माइनस एन डी इंटू क्या पढ़ा था, टी पढ़ा था। तो आप देख लीजिए इसका ए नेट कैसे निकाला, बी कितने के प्लेट 300, कितनी रिबिट लगी हुई है, इसने कहा 1 रिबिट लगी हुई है, 1 रिबिट लगी हुई है तो ए इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 20 की है तो 20 तक आपका जो है 25 तक डेढ़ में बढ़ता है 21.5 हो जाएगा, इंटू टी, टी कितना एमएम की थिकनेस ऑफ प्लेट 10, क्योंकि भैया ये जो बी है यहां पर ये विड्थ ऑफ प्लेट को दिखाती है, जो टी है वो थिकनेस ऑफ प्लेट होती है, थिकनेस ऑफ प्लेट होती है, डी क्या है डाय ऑफ रिविट होता है। देख लीजिए आप ए नेट क्या बच जाएगा यहां पर, इसमें से 300 में से 21.5 घटा दो भाई 278.5 गुणा 10, तो मैं कहूंगा कि जो है आपका 2785 जो है एमएम स्क्वायर एरिया आपका बच जाएगा। तो आपने देखा कि आपका नेट एरिया किस तरह से इसमें निकल कर आ जाता है। बेसिकली वैसे तो अपन टेंशन मेंबर पढ़ेंगे, वहां भी इसके बारे में पढ़ने वाले, लेकिन अभी मैंने इसके बारे में यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि भाई आपके न्यूमेरिकल जो है वो जनरली किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसमें कि जो पिच वगैरह है वो मिनिमम पिच कितनी रहती है, आपका मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रहता है। तो आज की जो हेडिंग्स है इस लेक्चर की, या वो है मिनिमम पिच आपका कितना होगा। नेक्स्ट हेडिंग जो मैं लेके चलता हूं, मिनिमम पिच नेक्स्ट जो है आज मेरा, वो क्या है, मिनिमम पिच बिटवीन रिविट्स। ये कह रहा रिविट्स के बीच में जो मिनिमम पिच है वो आपका कितना आएगा। तो कोड जो है, कोड ने एक आपको जो है जो क्लोज में दे रखा है, एक रिकमेंडेशन दे रखी है कि जो मिनिमम पिच जो है, मैं मिनिमम पिच वर्ड बोलूं तो मिनिमम पिच जो है इसने कहा 2.5 × नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। कितने से कम नहीं होनी चाहिए आपका, 2.5 × नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। तो एक तरह से मेरा जो है मिनिमम पिच के लिए जो आपका ऐसे लिख सकते हो कि शुड नॉट लेस देन, है ना, 2.5 D। अब ये ध्यान ये रखें कि ये D कौन सा है, क्योंकि आपसे कई बार यही कंफ्यूज होता है, तो मैंने वहां बोल ही दिया है ऊपर, वेयर D बराबर यहां पर है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, केवल 2.5 D तो ध्यान रख लेते हैं कि यार जो मिनिमम पिच है, इतना तो लोग ध्यान रख लेते हैं कि यार मिनिमम पी, मिनिमम जो है पिच, पी मिनिमम पिच, पी को इसको पिच को पी से दिखा, ये 2.5 D तो ध्यान रख लेते हैं। लेकिन कई बार उससे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम पिच बिटवीन रिविट्स,
पिच का मतलब मैंने बताया देता तो रिवेटोक सेंटर टू सेंटर डिस्ट है कि भाई मिनिमम पिच जो है वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन ए 2.5 इनटू नॉमिनल डाय, ऑप्शन बी 2.5 इनटू ग्रॉस डाय, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी राइट, डी नन ऑफ दी। तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नॉमिनल डाया था या ग्रॉस डाया था, क्योंकि उसने तो केवल 2.5 डी पढ़ लिया, आगे उसने देखा ही नहीं। तो आपको एग्जैक्ट जो ध्यान रखना है वो क्या है आपका, नॉमिनल डाया ऑफ रिबिट है 2.5 इंटू डी। तो यहां डी क्या है भाई, नॉमिनल डाया ऑफ रिबिट को आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है मैक्सिमम पिच, कि भाई मैक्सिमम पिच आप कितना लेकर चल सकते, पूछता रहता है भाई आपसे। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच के लिए इन्होंने आपसे कह दिया कि यहां पर मैं दो बात करता हूं, एक टेंशन के केस में और दूसरी बात करता है ये कंप्रेशन मेंबर के केस में, भाई टेंशन मेंबर में कितना होगा और कंप्रेशन मेंबर में कितना होगा। तो पहला जो केस है, केस फर्स्ट पढ़ता है इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर मतलब ऐसी जगह आपका रिविट लगी हुई है जहां पर मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है। तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम पिच है ये कितना आपका होगा, तो ये कहता है 12 टी और 200 mm, कितना भाई 12 टी 12 टी और 200 mm। अब ये कहता है कि जब दो चीजों को बोल रहा है और आंसर मैक्सिमम है, तो हमेशा आपको पता है कि आंसर क्या आता है, विच एवर इज लेसर, विच एवर इज लेसर, जो भी इनमें से छोटी वैल्यू होगी। अभी समझाऊं आपको, सेकंड केस कहता है, केस सेकंड ये आपसे कहता है, केस सेकंड ये कहता है इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, कौन से मेंबर पे, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, तो इन टेंशन मेंबर के केस में कितना आता है 16 टी और 200 mm। वही आंसर क्या आएगा, विच एवर इज लेसर, ये कहता है जो भी दोनों में से क्या होगा, छोटा आपका हो जाएगा। तो यहां मैं देख रहा हूं कि दो डाटा को वो आपसे कर रहा है कि कंप्रेशन मेंबर 12 टी और 200 mm, विच एवर इज लेसर, टेंशन के लिए 16 टी और 200 mm, विच एवर इज लेसर, ठीक है। अब यहां और दूसरी साथ के साथ जो आपको जो यहां बात देखने की है, अब यहां इनमें इन अब वो दोनों केसों में, इन बोथ केसेज, इन बोथ अब वो केस, टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, टी क्या है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ये जरूर ध्यान रखना है। देखो मान लो मैं आपसे कहूं कि दो प्लेटों को मैंने जोड़ा, एक प्लेट का जो साइज है वो 200 बाई, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 200 बाई जो है 10 mm है, और दूसरे का साइज है 200 बाई 16 mm, मतलब एक मेंबर की थिकनेस तो 10 mm है और दूसरे मेंबर की थिकनेस क्या है जो है आपका 16। अब मैं जोड़ना चाह रहा हूं तो पिच ले रहा हूं, मान लो मेरे कंप्रेशन मेंबर होता तो 12 टी और 200 mm में मान लो कहता, अब टी कौन से लू, एक की तो 10 है और एक की क्या है 16 है, अब दोनों बराबर थिकनेस तो नहीं थी। यहां बिल्कुल मेंशन किया दिया है कि टी थिकनेस ऑफ क्या होगा, थिनर मेंबर आपका होगा, मतलब जो दोनों में से कम थिकनेस जिसकी होगी
वो आपका टी लिया जाएगा। और ये हमेशा विचेवर लेसर इसलिए आता है, ये तो आपको आरसीसी में समझाया है कि जब भी मैक्सिमम पूछते हैं तो वो कहता है कि दोनों में से जो कम होगा, चाहे 10 चीजों को कंपेयर करा, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो विचेवर लेसर आएगा और मिनिमम पूछता है तो विचेवर इज ग्रेटर आएगा। क्योंकि मैं आपसे कहूं कि ये वैल्यू 400 से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये वैल्यू 500 से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अब मेरा आंसर तो क्या आएगा? मान लो मैं कहूं कोई वैल्यू 400 से ज्यादा नहीं और कोई वैल्यू 500 से ज्यादा नहीं, तो मेरा आंसर 400 ही तो आएगा। 400 ऐसी वैल्यू हो गई जो ना 400 से ज्यादा है और ना ही 500 से ज्यादा है, ठीक है ना। और मैं कहता नहीं 500 है तो 500 वाली 500 से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 400 से ज्यादा हो गई तो विच एवरेज क्या आएगा? लेसर आएगा आपका, दोनों में से जो वैल्यू कम, क्योंकि वो कहता है कि मैक्सिमम पिच 12 टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 200 एमएम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं टी थिकनेस 10 एमएम ले लू तो 12 × 10 = 120 और 200 हो गया। वो कहता है पिच 120 से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको पिच कितनी लेनी पड़ेगी? 120 ही लेनी पड़ेगी ना। तो आंसर क्या हो गया? विच एवरेज लेसर ही तो हो गया। तो आपने देखा कि विच एवरेज लेसर जब भी मैक्सिमम पूछेगा, ये कोई इसका कॉन्सेप्ट आप सीधा ध्यान रखे, चाहे आरसीसी हो चाहे एसयू चाहे कहीं भी हो, जब भी मैक्सिमम पूछता है दो एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर कराता है, आंसर विच एवरेज लेसर ही आपका आता है। दूसरी बात यह है कि देखो दोनों में 200 एमएम डाय 200 तो कॉन्सेप्ट फिक्स है, एक में कंप्रेशन एक में टेंशन। कई बार क्या है ये अकुमुलेट हो जाते हैं, तुम भूल जाते हो यार टेंशन के लिए कितना था कंप्रेशन के लिए कितना था, तो सीधा सीधा थोड़ा ध्यान रख ले। जैसे C4 कंप्रेशन पहले आता है एबीसी में, तो 1, 2, 3 में भी 12 पहले आता, मतलब याद रखने के लिए। तो कंप्रेशन में 12 और टेंशन सी के बाद, मतलब टेंशन बाद में आएगा जैसे एबीसीडी में, तो 1, 2, 3 में भी 16 बाद में आएगा, तो टेंशन में 16 हो गया। तो कंप्री मतलब याद, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं याद रखने के लिए, कंप्रेशन और टेंशन याद कर यार। सी कंप्रेशन पहले, तो 12 टी वाला कंप्रेशन का 12 टी और 200 में विचेवर जाए, टेंशन बाद में टी बाद में आता है मतलब 16 टी और 200 में विचेवर लेसर। अब ये नीचे कहता है, नीचे अगर मैं इसके नोट डाल के लिखता, नीचे में नोट डाल के लिखता इसके, ये कहता इफ इफ रिबिट्स आर नॉट लेइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रिबिट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसने क्या कहा कि इफ रिबिट आर Not laying in the direction of force या in the plane of force direction. If rivets are not laying in the plane or direction of the force, direction of the force, then maximum pitch should not, then maximum pitch should not exceed 32 T or 300 mm, 32 T or 300 mm, whichever is lesser. क्या कहना चाह रहा है आपसे? वो कहना चाह रहा है कि यदि कोई जो रिविट है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं लगी हुई है, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा ये कोई एक प्लेट था जिसमें फोर्स तो ऐसे लग रहा है लेकिन रिविट ऐसे लगी हुई है, आपका ऐसे लगी हुई है आपकी रिविट, उनकी पिच ऐसे है, मान लो ऐसे आपकी जो है रिविट लगी, ये कह रहा इस तरह से अगर आपकी रिविट लगी हुई है तो दो रिविटों के जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये आपका कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 32 टी और 300 mm, विच एवर इज लेसर। तो ध्यान रखे, आपसे स्पेशल पूछेगा वो क्वेश्चन, अगर पूछेगा कि इफ रिविट आर नॉट इन द प्लेन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि भैया रिविट डायरेक्शन ऑफ फोर्स के प्लेन में नहीं है तो मैक्सिमम पिच बताइए 32 टी और 300 mm, विच एवर इज क्या हो जाएगा भाई? लेसर। यहां भी टी जो है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ये भाई टी क्या है? थिकनेस ऑफ
थिनर प्लेट, ये यहां भी कोई अलग नहीं बोल रहा गया, थिकर आ जाएगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट्स आपका यहां पर आ जाएगा। तो मैंने अभी मिनिमम पिच देखा 2.5 इंटू नॉमिनल डाया, मतलब 2.5 ही होगा। मैक्सिमम पिच देखा, वो कहता है कंप्रेशन के लिए 12 टी और 200 mm, विच एवरेज क्या हो जाएगा आपका लेसर। टेंशन के लिए 16 टी और 200 mm, विच एवरेज क्या हो जाएगा लेसर। आगे वो कहता है यदि रिवेट जो है फोर्स की डायरेक्शन में नहीं लगी हुई है तो जो मैक्सिमम पिच है वो 32 टी और 300 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब इसके ऊपर जो है जैसे कोई क्वेश्चन क्या हो सकता था, क्वेश्चन क्या बन सकता था भाई, देखो इसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता था, मान लो ये कहता, एक एग्जांपल बोल दे कि टू प्लेट्स हैं, मैंने कहा 200 गुणा 12 mm एंड 200 इंटू 16 mm आर कनेक्टेड बाय रिवेट जॉइंट, बाय रिवेट जॉइंट, देन मैक्सिमम पिच शुड बी। तो कह रहा है बताओ मैक्सिमम पिच कितनी होगी। अब इसमें देखना यह है कि टेंशन मेंबर बोल रहा है या कंप्रेशन मेंबर बोल रहा है। देखो टेंशन मेंबर बोलता, जैसे मैं कहता फोर टेंशन मेंबर, अगर ये बोलता, अगर ये टेंशन मेंबर बोलता तो आंसर होता टेंशन में देखा तो 16 टी और 200 mm, विच एवरेज लेसर था, विच एवरेज लेसर, जो भी छोटा होगा। तो देखो 16 टी थिकनेस ऑफ थिनर ले लिए, 12 और 16 में क्या है थिकनेस, थिनर क्या है 12, तो 16 गुणा 12 और 200 लेसर, बताओ कितना आ जाएगा, 192 हो गया, 200 दोनों में से 192 छोटा कौन सा आपका 192 में, तो मेरा राय आंसर हो जाएगा कि जो पिच है, पिच जो मैक्सिमम है वो 192 mm आ जाएगी। ऐसे अगर मैं कहता फोर कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन में मेंबर अगर ये होता तो 12 टी और 200 mm होती है भाई, 12 टी और 200 mm जो भी छोटी है, तो मैं क्या कहता 12 गुणा टी थिकनेस ऑफ थिनर है और 200, तो 144 और 200 में छोटा क्या था 144, तो मेरी पिच कितनी हो जाती 144 mm हो जाती। इस तरह से मैं जो है मेरे से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, उस न्यूमेरिकल्स का मैं रिप्लाई कर सकता हूं। ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आपका पूछता रहता है भाई मुझे मैक्सिमम पिच बताओ फॉर टेंशन मेंबर, या मैक्सिमम पिच बताओ मुझे फॉर कंप्रेशन मेंबर, तो बिल्कुल आपको यहां से एक न्यूमेरिकल्स आपका मिल जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एज डिस्टेंस। नेक्स्ट बात क्या करता हूं मैं, मिनिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस जो मैंने देखा था, मिनिमम एज डिस्टेंस क्या थी, आपने देखा था कि जब आप रिवेटिंग कर रहे थे तो मान लो मैंने यहां रिवेटिंग की, तो ये मान लो फोर्स लग रहा था, तो ये तो पिच थी भाई, ये गेज था, और ये जो थी एज से फर्स्ट रिवेट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस थी, ये थी एज डिस्टेंस। तो ये कह रहा है मिनिमम एज डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि
इसमें भी दो केस हो गए। ये कहता है केस फर्स्ट, ये कहता है यदि आपका हैंड फ्लेमेम जो एज है, आपका जो कटी हुई एज है वो आपका उससे काटी गई है। फ्लेम होता है जो, ये कहता है फ्लेम क्या होती है, जो हैंड फ्लेम लो होती है, जो आपका बेल्डिंग वाले होते हैं ना। ये कहता है केस फर्स्ट इफ मेंबर एज आर कट बाय हैंड फ्लेम, देखा होगा काटने के लिए जो एक रॉड सी लगाकर उससे जो है आपका जो बेल्डिंग, एक तो बेल्डिंग करते हैं, क्या लॉ से उसको काटते हैं आपका जो जैसे लोहे को। इफ आर कट बाय हैंड फ्लेम और मैं कहूं रफ एज, मतलब जो एज है वो रफ है, स्मूथ नहीं है, तो ये कहता है 1.7 into होल डाया। ध्यान दे भाई यहां पर क्या है आपका 1.7 into होल डाया, या कहूं कि 1.7 into ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो अगर मेंबर आपका हैंड फ्लैम कट है या मैं कहूं रफ एज है तो आपका 1.7 into होल डाया के बराबर आपकी हो जाए। केस सेकंड ये आपसे कहता है इफ मेंबर एज आर कट बाय मशीन, या मैं कहूं और स्मूथ एज, मतलब किसी मशीन से काटा है या एज जो बिल्कुल इसकी स्मूथ है आपका, तो ये कहता है कि जो मिनिमम एज होगा वो कितना आएगा, तो ये कहता है 1.5 into होल डाया, मतलब या मैं क्या कह सकता हूं 1.5 into ग्रॉस डाया। तो ध्यान दें जब मिनिमम एज डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, क्या किया जाता है आपसे मिनिमम एज डिस्टेंस पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हैंड फ्लैम है तो 1.7 into होल डाया या ग्रॉस डाया होगा, और अगर मशीन या स्मूथ एज है आपका तो 1.5 into होल डाया या 1.5 into ग्रॉस डाया के बराबर वो वैल्यू आपकी की निकल कर आएगी। तो मैंने यहां पिच के बारे में और इनके बारे में बातें कर ली है भाई, ठीक है, कि मेरी मिनिमम पिच क्या होती है, आपका मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम पिच मेरी क्या होती है। नेक्स्ट एक हेडिंग पढ़ता हूं मैं इसी में, टैकिंग रिवेट्स। नेक्स्ट एक हेडिंग पढ़ता हूं टैकिंग रिवेट्स, सबसे पहले तो टैकिंग रिवेट्स क्या होती है, जब दो मेंबरों की कनेक्ट लेंथ जो है एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो बीच बीच में उन मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो रिवेट्स लगाई जाती है ये रिवेट्स कहलाते हैं टैकिंग रिवेट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये नॉन लोड बियरिंग रिवेट्स हैं, मतलब ये लोड नहीं लेती हैं, यूज ओनली फॉर कनेक्शंस, यूज ओनली फॉर कनेक्शन प्रोवाइड बिटवीन मेंबर्स। तो कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सी रिवेट नॉन लोड बियरिंग है, मतलब जो लोड नहीं लेती है, तो टैकिंग रिवेट है। तो आपको टैकिंग रिवेट समझ आ गया होगा, क्या कहता है कि जब मेंबर्स जो है इनकी कनेक्शन लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो मेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो रिवेट्स लाई जाती है एक तरह से वो क्या कहलाती है, टैकिंग रिवेट्स कहलाती है। मतलब आपने
लोड बियरिंग जो रिविट लगा रही है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, पिच जो है एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर आप बीच बीच में क्या लगा देते हैं, मेंबर्स आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो, वो प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाए रखे। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा रिविट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ ये मेरी टैकिंग रिविट्स कहलाती है। तो क्वेश्चन बढ़ता है लोड नॉन लोड बियरिंग रिविट्स बताओ, तो ये टैकिंग रिविट होंगे। अब इनके लिए कहता है कि भाई मुझे पिच बताइए इनकी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। तो ये आपसे कहता है कि मैक्सिमम पिच बिटवीन टैकिंग रिविट्स, मैक्सिमम पिच बिटवीन टैकिंग रिविट्स, इसमें भी दो बातें आपको ध्यान रखनी होती है। केस फर्स्ट, ये कहता है इफ मेंबर आर, इफ मेंबर आर, इफ मेंबर आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, पूछता है भाई, बहुत पूछता है इसके बारे में भी। इफ मेंबर्स आर नॉट एक्सपोज टू वेदर, कि भैया मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर है, ये मैं पहले समझा चुका हूं आपको। नॉट एक्सपोज टू वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम से प्रभावित नहीं है। नॉट लग गया ना, मतलब ऐसी जगह जहां पर मौसम का प्रभाव नहीं होने वाला है, नॉट एक्सपोज टू वेदर। देन 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 मैक्सिमम पिच बिटवीन टैकिंग रिवेट, कितना 32 टी और 300 mm, विच एवर इज लेसर, आंसर क्या आएगा, विच एवर इज लेसर। ये कह रहा भैया 32 टी और 300 mm में से जो भी कम होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, ये कहता है इफ मेंबर आर एक्सपोज टू वेदर, इफ मेंबर आर एक्सपोज टू वेदर, इफ मेंबर आर एक्सपोज टू वेदर, कि भाई जो मेंबर है वो एक्सपोज टू वेदर, मौसम से प्रभावित होता है, देन देन मैक्सिमम पिच बिटवीन टैकिंग रिवेट कितना आपका, मैं देख रहा हूं 16 टी और 200 mm, कितना होता है भाई 16 टी और 200 mm, आंसर आएगा वही विच एवर इज लेसर। आंसर क्या आएगा भाई, विच एवर इज लेसर। तो ध्यान दे कि मौसम से प्रभावित नहीं होता है तब तो आपका 32 टी और 300 mm, अगर एक्सपोर्ट होता है तो केवल 16 टी और 200। तो क्वेश्चन पूछता है इन केस ऑफ द मैक्सिमम पिच, इन केस ऑफ मेंबर आर एक्सपोज टू वेदर देन मैक्सिमम पिच बिटवीन टैकिंग रिविट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 टी और 200 mm आपको हो जाएगा। तो ध्यान रख ले भाई यहाँ पर, यहां वही मैं कहता हूं वेयर टी वही थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर होगा, वेयर टी बराबर थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ क्या है, थिनर मेंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। टी क्या है भाई, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर ही आपका होगा। अब नीचे नॉट डालकर दो बातें और लिखते हैं। ये कहता है इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर
मैक्सिमम पेज बिटवीन टैकिंग रिवेट, मैक्सिमम पेज बिटवीन टैकिंग रिवेट शुड नॉट एक्सेड 600 mm. पहला पॉइंट. दूसरा, इन केस ऑफ, ये कंप्रेशन मेंबर है, इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, मैक्सिमम पिच बिटवीन टैकिंग रिवेट मैक्सिमम पेज बिटवीन टैकिंग रिवेट शुड नॉट एक्सेड 1000 mm, 1000 mm. तो देखिए, दोनों के बारे में सुन लो भाई. वो कह रहा है कि कंप्रेशन मेंबर के केस में मैक्सिमम पिच किसी भी कंडीशन में 600 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टेंशन मेंबर के केस में जो मैक्सिमम पिच बिटवीन टैकिंग रिवेट है वो 1000 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अब इनमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो वही जैसा कॉन्सेप्ट अपन ने वहां पिच में देखा था, नॉर्मल पे गया C4 कंप्रेशन, T4 टेंशन, मतलब कंप्रेशन के लिए 12T और टेंशन वाले के लिए 16T. ऐसे यहां देखो कि कंप्रेशन भाई 600 हजार तो जान रह जाएगा, लेकिन कंफ्यूज हो, तो 600 पहले आता है, हजार पहले आता है, 600, तो कंप्रेशन का 6, सी पहले आएगा, एबीसीडी में 600, तो कंप्रेशन के लिए 600, टेंशन में टी बाद में आता है, तो हजार भी बाद में आएगा, तो टेंशन के लिए क्या हो गया, 1000 mm आपका हो गया. तो अपन ने यहां पर जो है टैकिंग रिवेट्स के बारे में पढ़ लिया कि आपका जो है कंप्रेशन जो अगर एक्सपोज टू वेदर है तो कितना होगा, एक्सपोज टू वेदर नहीं है तो कितना होगा, कंप्रेशन के केस में देखेंगे तो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टेंशन के केस में देखेंगे तो अपन कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए. तो देखिए अपना जो है मैक्सिमम पिच टैकिंग रिवेट इन सब के ऊपर बात हो गई थी. अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, मैंने आपको पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम जो है बर्बाद नहीं हो. ये कह रहा अजम्पशंस फॉर रिवेट जॉइंट कनेक्शन. ये कह रहा है जब आप रिवेट जॉइंट कनेक्शंस करते हो तो क्या क्या अजम्पशंस आप मान के चलते हैं, या क्या क्या अजम्पशंस कंसिडर किए जाते हैं. तो ये कुछ अजम्पशंस है जो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत है. तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अजम्पशंस आपके सही है. तो पहला अजम्पशंस पढ़िए, देखो क्या कह रहा है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी यूनिफॉर्मली, वो कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट, क्योंकि प्लेट, ये कह रहा है पोर्शन ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट एंड फेलियर प्लेट. ये क्या कहना चाह रहा है, जो प्लेट होती थी ना, जो प्लेट जिसमें मान लो मैंने रिवेट लगा रखी थी, ये मेरी रिवेट थी, अब ये मेरा फेलियर प्लेन था, प्लेट यहां से टूटी है. मैं जब लोड ले रहा था तो मैंने कहा था भाई जो फेलियर प्लेन है वो रिवेट टूट के ऐसे आपके हाथ में आ गई है, ये प्लेट आपके हाथ में निकल कर आ गई. तो ये कह रहा है कि फेलियर प्लेन पर रिवेट्स के बीच में, मतलब जिनको वहां पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो पूरी प्लेट में एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर टेंसाइल स्ट्रेंथ 50 और कहीं पर 200 हो जाए. उसने ये कहा था टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड बी यूनिफॉर्म, कि भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए. कहां पर, द पोर्शन ऑफ प्लेट, प्लेट का वो पोर्शन बिटवीन रिवेट एंड फेलियर प्लेन, मतलब रिवेट और फेलियर प्लेन के बीच, मतलब इस पोर्शन पर जहां से प्लेट फेल हो रही है वहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी आपकी होनी चाहिए. पहला स्टेटमेंट आपको समझ आ जाना चाहिए. सेकेंड, ये द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्ट. ये कह रहा दो प्लेटों को जब मैं जोड़ रहा हूं तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है,
वो नेगलेक्ट माना जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि घर्षण के कारण भी लोड को लिया जा रहा हो, मतलब प्लेटों के बीच में फ्रिक्शन है और आपको एक एक लोड जो है उसको घर्षण जो है फ्रिक्शन ले लेगा। जैसे सॉइल में तो फ्रिक्शन पाइल्स देखो, आप देखो फ्रिक्शन पाइल ऐसे होते हैं जो हजारों टन लोड ले लेती है, मिट्टी में गाड़ देते हैं मिट्टी और पाइल के बीच में। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, फ्रिक्शन के कारण कोई लोड नहीं लिया जाएगा, मतलब सारा का सारा जो लोड है वो आपका किसके कारण लिया जाएगा, रिविट्स के द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब अपन ऐसा नहीं मानेंगे कि जो जो है कि भाई प्लेटों के बीच में घर्षण के कारण भी लोड लिया जा सकता है, तो एक द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेगलेक्ट, मतलब कोई घर्षण नहीं माना जाएगा, मतलब उसके द्वारा कोई लोड नहीं लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा था फिक्स द रिविट फिल इन होल कंप्लीटली, मतलब जो होल किए हैं अपन ने, आपने जो होल किए थे प्लेट के अंदर, मान लो ये कोई प्लेट है इसके अंदर होल किया है, तो रिविट जो है इसके अंदर पूरी तरह से भरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं मान लो ये होल है रिविट यही रह गया, तो जो बीच में गैप होगा उसमें जो है लूज रह जाएगी, वहां से जॉइंट लोड को प्रॉपर नहीं लेगी वहां जो है। तो एक राय की जो रिविट है वो होल के अंदर पूरी तरह से भरी होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर कहता था सीयर स्ट्रेस शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिविट। ये कह रहा है कि जो रिविट है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर सीयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है, क्योंकि सीयर को रिविट लेती है सीयर, वो एक जैसी डेवलप होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली आपकी होनी चाहिए। ये फोर्थ स्टेट हो गया, स्टेटमेंट हो गया। फिफ्थ द बाइंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म ऑफ रिविट बियरिंग। तो ये पांचवा कहता है कि बियरिंग स्ट्रेस भी यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, मतलब सेयर और बियरिंग दोनों रिविट लेती है, इसलिए ये कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। सिक्स द बाइंडिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट शुड बी नेगलेक्ट, मतलब ये कहता है बियरिंग स्ट्रेस तो वो बोल रहे हो, कह रहा बाइंडिंग स्ट्रेस को नेगलेक्ट माना जाएगा, मतलब कोई बाइंडिंग स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी रिविट्स पे या रिविट कोई बाइंडिंग नहीं ले सकती। नेक्स्ट इफ रिविट आर इन ग्रुप, वो कह रहा है रिविट्स ग्रुप में, मतलब बहुत सारी रिविट लगी है, जैसे इफ रिविट आर ग्रुप देन लोड्स शेयरिंग, लोड शेयर का मतलब यह बांटना है, शेयरिंग का मतलब यह डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, कहीं वो वाली शेयर सोचो लोड शेयरिंग ऐसे चाहिए नहीं है, शेयर स्ट्रेस वाला नहीं है, शेयर है बांटना हिस्सा। द लोड शेयरिंग शुड बी इक्वल ऑन रिविट, ये कराएगा रिविट ग्रुप में लगी हुई, बहुत सारी रिविट्स लगी हुई है तो सभी रिविट्स पर जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होना चाहिए। तो ये मेरे कुछ स्टेटमेंट थे, प्लेट पर टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए, फ्रिक्शन प्लेट के बीच में नेगलेक्ट माना जाएगा, रिविट होल के अंदर कंप्लीटली भरी होनी चाहिए, सीयर और बियरिंग जो है दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस नेगलेक्ट मानी जाती है, और रिविट अगर ग्रुप में है तो सभी रिविट्स पर लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये मेरे अजम्पशंस हो गए रिविट जॉइंट के। अब बेसिकली अपन धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं, तो अब लास्ट इसमें जो है अपन ने लगभग सब चीजें पढ़ ली रिविट जॉइंट का। अब ये आपसे कहता है कि भाई जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, रिविट जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अब अपन एक तरह से बिल्कुल रिविट जॉइंट वाले पोर्शन के बिल्कुल एंडिंग की तरफ अपन जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट इसने आपसे कहा कि टाइप्स ऑफ रिविट कनेक्शन, की भाई जो रिविट कनेक्शन है वो कितने प्रकार के आपके होते हैं। तो इन्होंने आपसे कहा कि टाइप्स ऑफ रिविट कनेक्शन। तो ये कहता है कि जो रिविट कनेक्शन है इन्हें दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, या ये कहो तो रिविट जॉइंट है, ये दो प्रकार के आपके होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ये कह रहा है कि रिविट जॉइंट या रिविट कनेक्शन को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हो गए, पहला हो गया लैप जॉइंट, सेकंड हो गया बट जॉइंट। फर्स्ट कौन सा है भाई, फर्स्ट है आपका लैप जॉइंट, फर्स्ट कौन सा हो गया भाई लैप जॉइंट, सेकंड कौन सा हो गया बट जॉइंट। तो फर्स्ट है आपका लैप जॉइंट, फर्स्ट जो है लैप जॉइंट, और सेकंड क्या हो गया आपका बट जॉइंट। अब पहला अपन पढ़े, ये कहता है लैप जॉइंट,
फर्स्ट अपन पढ़ते हैं लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट क्या होगा? यदि दो मेंबर्स को एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करके जॉइंट किया जा रहा, तो इस तरह का जो जॉइंट है वो लेफ्ट जॉइंट आपका कहलाता है। ये कह रहा है यदि दो मेंबर्स को, यदि दो मेंबर्स को एक दूसरे पर ओवरलैप करके, ओवरलैपिंग करके कनेक्ट किया जा रहा हो, ओवरलैपिंग करके कनेक्ट किया जा रहा हो, तो इस प्रकार का जॉइंट, तो इस प्रकार का जॉइंट क्या कहलाता है? लैप जॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार का जॉइंट लैप जॉइंट कहलाता है। मतलब इन्होंने आपसे कहा कि ये दो प्लेट है, मान लो ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट जो है मेरी को ये प्लेट हो गई, सेकंड मेरी प्लेट ये हो गई, यहां मैं इन दोनों को रिवेटिंग कर दिया, मैंने ये रिवेट लगा दी भाई। अब जो क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन बनता है आपका कि ओवरलैपिंग कितनी करते हैं अपन। ये क्वेश्चन बनता है आपसे जो पूछता है कि ओवरलैपिंग आप कितनी करते हैं भाई, कितना ओवरलैपिंग करूं, मिनिमम जो ओवरलैपिंग है, मिनिमम ओवरलैपिंग कितनी करते हैं, मिनिमम ओवरलैपिंग, तो मिनिमम ओवरलैपिंग कितनी करते हैं, ये कहता है शुड नॉट लेस देन, शुड नॉट लेस देन 40 और 40 एमएम, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से जो भी आपका बड़ा होगा। एक तरह से जब कई बार ये कहता है मिनिमम ओवरलैपिंग 40 और 40 एमएम, अब यहां देखो मिनिमम पूछता है, वेयर टी बराबर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है, यहां थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है भाई, यहां टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है, मतलब बड़ी प्लेट की थिकनेस अपन लेंगे। जैसे मैं आपसे कहता कि यार ये प्लेट 10 एमएम की है और ये प्लेट 12 एमएम की है, या मैं इससे कहूंगी यार ये प्लेट तो 12 की है, ये मेरी 16 की है, तो भाई कितना लूंगा, तो 4 गुणा 16 64 और 40 जो भी बड़ा होगा तो 64 आ जाएगा, तो 64 एमएम मैं लूंगा भाई, ठीक है ना। या मैं कहता कि ये प्लेट 8 की है और ये प्लेट 6 एमएम की है, तो थिकर कौन सी है, 8, तो 4 गुणा 8 32 और 40 तो कौन सा बड़ा आएगा, चाहे मतलब कम से कम 40 एमएम तो लेना ही लेना है। जब भी कोई चीज ऐसे आ जाती है और जैसे ये मिनिमम पूछ रहा है तो वो वैल्यू इतना, मैं मतलब आप इस बात को कन्फर्म कि जैसे आपसे मैक्सिमम पूछता है, अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाती है, जैसे अपन ने कहा था 12T और 200, 16T और 200 वहां मैक्सिमम पूछा था, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी कि भैया इतने ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कई बार जैसे वो आपसे सिंपल पूछ ले कि टेंशन मेंबर में मैक्सिमम पिच कितने ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अब आपने तो पढ़ा यार 16T और 200 mm विच एवर इज लेसर, लेकिन अपन से पूछ लिया कि 100, 200, 300, 400, अब तुम देखो यार मैंने तो सोच, तो भाई वो जो 200 है ना उसके साथ वो मैक्सिमम का है कि भाई इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। ऐसे यहां जब मिनिमम आएगा तो जैसे 40 और 40 लिखा हुआ है तो ये मिनिमम है, 40 से कम रह ही नहीं सकती, कम से कम आपका 40 रहेगा ही रहेगा। तो कई बार वो आपसे कह दे मिनिमम ओवरलैपिंग बताइए, वो कहे 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, तो फिर आप क्या कहोगे कि 40 mm आपका कम से कम रहेगा, मिनिमम ओवरलैपिंग जो है वो 40 mm आपकी होगी, तो ये आपका लैप जॉइंट हो गया। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि जो है आपका क्या है 40 और 40 mm, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी इनमें से बड़ा होगा, मतलब कम से कम 40 mm तो रहना ही रहना है। सेकेंड क्या है, बट जॉइंट, सेकेंड क्या है भी आपका, बट जॉइंट।
तो ये पूछता रहता है कि भाई ओवरलैपिंग कितना लेते हैं यहां पर, मैं ऊपर से भी बिठा रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। नेक्स्ट कहता है बट जॉइंट, नेक्स्ट क्या है भी आपका बट जॉइंट, अब बट जॉइंट क्या है, ये कहता है कि यदि मेंबर्स को एक दूसरे के कैसे जोड़ा जा रहा हो, एंड टू एंड पर कनेक्ट किया जा रहा हो, ये कह रहा है यदि यदि दो मेंबर्स को एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्ट किया जा रहा हो, तो इस प्रकार का जॉइंट, तो इस प्रकार का जॉइंट क्या कहलाता है, बट जॉइंट कहलाता है। अब आगे कहता है बट जॉइंट भी दो तरह के होते हैं, बट जॉइंट को भी दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। अब दो प्रकार के कौन कौन से हो गए, फर्स्ट हो गया सिंगल कवर बट जॉइंट, फर्स्ट कौन सा हो गया अभी सिंगल कवर बट जॉइंट, सेकंड कौन सा हो गया डबल कवर बट जॉइंट। बेसिकली डिफरेंस क्या है इसमें, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर ये कहता है कि इफ वन कवर प्लेट आर यूज, सीधी सी बात है, अगर एक कवर प्लेट यूज किए गई है तो सिंगल कवर बट जॉइंट। ये कहता है इफ डबल कवर प्लेट आर यूज, ये कह रहा दो कवर प्लेट यूज किए गए तो डबल कवर हो गया। अब जैसे अपन देखना चाहे, मतलब ये कहता है देखो ये क्या है, मतलब अब मैंने आपसे कहा कि ये दो मेंबर है, देखो अपन सिंगल कवर के एग्जांपल देखते हैं, डबल कवर दोनों के देख लेंगे। जैसे ये कहता है कि ये एक कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, मतलब एक प्लेट और दूसरी प्लेट ये हो गई, मतलब मेंबर हो गए मेंबर वन और मेंबर टू, दो मेंबर को अब एक दूसरे के एंड, इसका एंड इसका एंड टू एंड जोड़ रहे हैं। अब एंड टू एंड जोड़ रहे हैं तो जुड़ेंगे कैसे ये, भाई लैप में तो ये ओवरलैप हो गए थे, ये इसके ऊपर आकर ओवरलैपिंग रिबिट लगा दी, ये तो लैप हो गए। अब मैं रिबिट कहां लगाऊं, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या है कि एक कवर प्लेट लगानी पड़ी, अब मैं इनको जोड़ दूंगा। तो ये कहलाएगा सिंगल कवर, मतलब एक कवर प्लेट लगी है ना आपका, देखो अब ये वाला तो कहलाएगा सिंगल कवर सिंगल रिविट बट जॉइंट। अगर इसको मैं कहूं तो ये वाला इसका नाम हो जाएगा सिंगल कवर, भाई एक कवर प्लेट है, सिंगल कवर सिंगल रिविट, एक रिविट है, एक मतलब वन एंड इधर की तरफ एक लग रही है भाई, एक है ना, मतलब ऐसे नहीं कि एक और एक दो दिख रही है, एक साइड में ये आपका इस प्लेट को कनेक्ट करने के लिए कितने, एक इस प्लेट को कितने, एक था ना, सिंगल कवर सिंगल रिविट, क्योंकि जब टूटेगी ना तो केवल ये इधर उधर वाली, जैसे ये टूट गई लोड लगा रहे इधर वाली टूट गई, ये वाली प्लेट निकल के हाथ में लग जाए, जैसे लैप में सारी तोड़ने की जरूरत थी, वन साइड की तोड़ने की जरूरत थी, इधर तोड़ लो या उधर, तो सिंगल कवर सिंगल रिविट बट जॉइंट। अब मैं क्या करता, मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई वही ये
मैंने कवर प्लेट लगाई, ये मेरी कवर प्लेट हो गई और मेरी रिवेटिंग, कितनी रिवेट लग रही है वन साइड में, दो रोब है, क्या हो जाएगा सिंगल कवर डबल रिवेट बट जॉइंट। ऐसी अगर मैं नीचे कहता हूं तीन वो लगा दूं, मान लो ये मेरी, ये एक मेन प्लेट, दूसरा इसके एंड पर ये एक मेन प्लेट हो गई, मैं कवर प्लेट लगा दूं यहां पर, तीन तीन लाइन में रिवेट लगा दूं, एक दो तीन, एक दो तीन, क्या हो जाएगा सिंगल कवर ट्रिपल रिवेट बट जॉइंट, क्या हो जाएगा भाई, कवर प्लेट तो एक ही है, सिंगल कवर ट्रिपल रिवेट बट जॉइंट। मतलब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए बट जॉइंट में दो रिवेट लगाए जा रहे हो, यदि दो मेन मेंबर एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हैं, दो रिवेट लगाई जा रही है और एक कवर प्लेट लगाई जा रही है, तो कौन सा कहलाएगा सिंगल कवर डबल रिवेट बट जॉइंट, या आप उल्टा बोल सकते हो डबल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट, ट्रिपल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट, कैसे भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब अपन जैसे कहते हैं ये तो हो गया आपका, ये जो सारे एग्जांपल हो गए ये तो हो गए आपके सिंगल कवर बट जॉइंट के। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता, सीधी सीधी बात है, डबल कवर प्लेट लगेंगे आपकी, एक मेन मेंबर दूसरा मेन मेंबर, कवर प्लेट लगा रहा हूं मैं, मेरी ये कवर प्लेट लग गई एक, अब दूसरी आपका क्या है, मैं जानबूझ के छोटी लगा रहा, बराबर भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, दूसरी कवर प्लेट आपके इक्वल भी, मतलब अभी यही बता देता हूं भाई, कवर प्लेट का साइज इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकती है, मतलब बराबर, तो मैंने छोटी कर दी, मैं भी यहां ये लिख दिया, क्या होगा देखो, एक रिवेट लग रही है ना, क्या नाम धरेगा जाएगा इसका, सिंगल रिवेट डबल कवर बट जॉइंट। तो वो अगर कहता है कोई दो मेंबर जो है मेन मेंबर एक दूसरे के एंड टू एंड जुड़े हैं, दो कवर प्लेट का यूज किया, अगर एक रिवेट लगाई उनको जोड़ने के लिए, बताओ क्या नाम होगा, तो सिंगल रिवेट डबल कवर बट जॉइंट हो जाए। ऐसे मैं आपसे कहूं बराबर कर दी मैंने कवर प्लेट, वो आपसे कहता कि कोई दो मेंबर एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े, दो कवर प्लेट और दो रिवेट का यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका डबल रिवेट, उल्टा लिख रहा हूं भाई इसमें, है ना, यहां मैंने पहले जैसे कवर उनको ले लिया था, डबल रिवेट डबल कवर बट जॉइंट। तो इस तरह से आपके इनके बारे में आपकी बातें हो सकती है। अब देखो, जब मैं शेयर में चेक कर रहा था, शेयर में इसको खींच रहा हूं, तो रिविट इनमें एक जगह छूटेगी, इसमें एक रिविट एक जगह छूटेगी, इसमें रिविट एक जगह छूटेगी, इनमें रिविट को तोड़ने के लिए एक और एक दो जगह इसको खींचोगे, तो रिविट शेयर में दो जगह से तोड़नी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो इसमें स्ट्रेंथ 50 होती थी उसमें ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा, इसमें 100 होगी तो उसमें 200 पर टूटेगी। तो ये मैंने उस टाइम समझाया था, ये सिंगल शेयर में चेक होती है और ये क्या होता है आपका डबल शेयर में आपका चेक होता है। एक आध चीजें इनके बारे में अगर बट जॉइंट के बारे में पर लिखना चाहें तो ये तो मैंने भाई आपको बता ही दिया, अब नीचे एक दो पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं जो बट जॉइंट के रिलेटिव आपसे पूछ सकता है। नॉट में नंबर वन, पहली बात तो हो गई कि जो लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट और सिंगल कवर बट जॉइंट सिंगल शेयर में चेक होते हैं,
तथा डबल कवर बट जॉइंट किसमें चेक होता है? डबल कवर बट जॉइंट डबल शेयर में चेक होता है। पहली बात, अर्थात डबल कवर में जो स्ट्रेंथ है शेयर स्ट्रेंथ, वो दो गुना आपकी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, जो क्वेश्चन पढ़ते हैं डबल कवर बट जॉइंट फ्री फ्रॉम बेंडिंग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कौन सा जॉइंट फ्री फ्रॉम बेंडिंग होता है, तो कौन सा होता है? वो आपका डबल कवर, क्योंकि देखो लैप जॉइंट है, जैसे लैप जॉइंट है फोर्स लगाओगे तो यहां फोर्स डेवलप हो रहा है, ये ऐसे लगाना पड़ रहा है, तो आप देख रहे हो कि इस फोर्स की डायरेक्शन यहां, इस फोर्स की डायरेक्शन यहां है, इसेंट्रिसिटी डेवलप हो रही है, बेंडिंग स्ट्रेंथ डेवलप होगी आपका। सिंगल कवर बट जॉइंट में लोड आप लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, लेकिन कवर प्लेट एक ही तरफ लगी हुई है, तो इसमें भी बेंडिंग आपका डेवलप होगा। लेकिन डबल कवर बट जॉइंट जो है, डबल कवर जो बट जॉइंट है, लोड की देखो अच्छी भी से, यहां लोड चेक तो सेम थे लेकिन एक तरफ कवर प्लेट लगी थी, तो इसलिए यहां क्या कवर प्लेट भी दोनों तरफ लग गई, तो जब लोड लगा रहे लोड की डायरेक्शन भी एक तरफ कवर, तो ये फ्री फ्रॉम बेंडिंग होता है, मतलब इसमें बेंडिंग आपकी डेवलप नहीं होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जॉइंट जो है वो फ्री फ्रॉम बेंडिंग आपका होता है, तो कौन सा होता है? डबल कवर बट जॉइंट आपका होता है। अब अपन लास्ट इसमें पढ़ लेते हैं कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट में डिफरेंस या इनका कंपैरिजन क्या होता है, उसके बाद अपना जो रिविट वाला पोर्शन है वो आपका खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, तो अपन ने देखा कि लास्ट अपन बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। ये कह रहा है लैप जॉइंट और बट जॉइंट पे कंपैरिजन बताओ, तो दो तीन अपन कंपैरिजन देख लेते हैं बस आपका, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सीरियल नंबर, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। पहला कंपैरिजन, ये कहता है लैप जॉइंट पे कवर प्लेट की जरूरत नहीं होती है, नो कवर प्लेट, मतलब एक तरह से है ना नो एक्स्ट्रा कवर प्लेट रिक्वायर्ड, मतलब कोई कवर प्लेट आपको नहीं चाहिए। बट में क्या था? कंपलसरी था एक या दो कवर, यहां क्या है कवर प्लेट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, लेस रिविट रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो क्या है कि जैसे आपका इसमें ओवरलैपिंग कर रहे थे, तो एक रिविट भी से भी आपका जरूरत हो, लेकिन आप बट जॉइंट में देख रहे थे, बट जॉइंट में आपने देखा कि आपको अगर एक वो करनी पड़ रही, एक इधर लगानी पड़ रही, एक इधर लगानी पड़ रही, तो आप देखोगे कि इसमें ज्यादा रिविट लगेगी बट जॉइंट में, इसमें कम, तो लेस रिविट रिक्वायर्ड, इसमें क्या है मोर रिविट रिक्वायर्ड, मोर रिविट रिक्वायर्ड, ज्यादा रिविट आपको चाहिए फॉर कनेक्शन, लेस रिविट रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन। थर्ड पॉइंट जो है, आप डेफिनेटली जब कवर प्लेट नहीं चाहिए, रिविट कम चाहिए, तो इसकी कॉस्ट भी कम आएगी, लेस कॉस्टली है, और इसकी रिविट कॉस्ट ज्यादा आएगी, मोर कॉस्टली होगा। तो अपन ने यहां देख लिया कि जो भी मैं पढ़ सकता था रिविट जॉइंट के बारे में, जो भी आपके क्वेश्चंस आपके बढ़ते हैं ज्यादातर, वो मैंने आपको यहां पर करा दिए इस लेक्चर में। अब इससे अगले लेक्चर में अपन जो है वेल्डेड कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज रिविटेड कनेक्शन वाला जो टॉपिक है वो इस लेक्चर में यही खत्म करते हैं, रिविटेड वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे की जो बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। थैंक यू।